आज एक बड़ी खूबसूरत सी शुरुआत हम करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश की। अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि इंग्लिश की शुरुआत होनी कहां से चाहिए, या तमाम ऐसे बच्चे हैं जो ये कहते हैं सर मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, मैं कहां से शुरू करूं, मुझे क्या पढ़ना है, मैं कैसे अंग्रेजी बोल लूं। तमाम सारे सवाल उनके जहन में आते हैं। उनके इन तमाम सारे सवाल को हम बिल्कुल छोटे और सिंपल तरीके से उनके जवाब देते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत, जिसका नाम है बेसिक इंग्लिश। हमारी बेसिक इंग्लिश की शुरुआत कहां से होगी, इनकी हम पूरी डिटेल आपको देते हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखें, जरूरत महसूस हो तो इसे कई बार देखें, आपके जहन से अंग्रेजी का डर निकल जाएगा और आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी की शुरुआत। अंग्रेजी की शुरुआत कहां से हो, तो पहले हम ये जान लें कि आज के डेट में हर इंसान के जहन में एक ही सवाल नाच रहा है कि अगर उसकी अंग्रेजी अच्छी हुई तो उसे अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? लैंग्वेज, द क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंग्वेज? आपको सीखना है लैंग्वेज, और इसकी हिंदी होती है भाषा। तो चूंकि हम लोग का इंग्लिश भाषा की शुरुआत करनी है तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो हमने यहां ध्यान दें, मैंने लिखा है डिफिनेशन। डिफिनेशन, डिफिनेशन का अर्थ होता है परिभाषा। हम अपनी तरह से अगर परिभाषा दें लैंग्वेज की तो क्या हो सकता है, तो ध्यान देंगे, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कह सकते हैं लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक और परिभाषा देखें, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर थॉट टू अदर्स। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दें, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। तीसरी परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कन्वे अवर थॉट टू अदर्स। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दें, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब लैंग्वेज होता कितने प्रकार का है, सो यूजुअली हम बात करें कि भाषा किस किस तरह की होती है, तो हम संक्षेप में बता दें, एक रिटन लैंग्वेज होती है, एक ओरल लैंग्वेज होती है, और एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये सारे तरीके हैं कि हम किसी को कुछ कह के, किसी को लिख के, किसी को संकेत में भी बता सकते हैं। पेंट की अपनी भाषा है, पेंटिंग भी एक भाषा है, हम पेंट करके भी किसी कुछ बता सकते हैं। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो शर्त होगी वो सीखनी है अल्फाबेट। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट को अगर हिंदी में कहें तो हो जाएगा वर्णमाला, अर्थात ए से जेड तक एक एक लेटर को अल्फाबेट कहते हैं। ऐसे अपनी सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला है, अल्फाबेट है। जैसे हिंदी से हम देखें क से ज्ञ तक, जिसमें अ आ भी शामिल रहता है, उर्दू में अलिफ से ये तक। ऐसे ही इंग्लिश में ए से जेड तक टोटल 26 लेटर्स हैं, कुल 26 वर्णमाला है। आप काउंट कर लें ए बी सी को, तो देखें यहां से लेकर के जेड तक में टोटल 26 अक्षर हैं।
इन 26 को इंडिविजुअली अलग अलग इन्हें हम अल्फाबेट कहते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट को दो खंड में बांट दिया गया है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल का हिंदी होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन। इंग्लिश भाषा में वॉवल स्वर पांच हैं, जिसे मैंने लिखा है ए ई आई ओ यू। जो नोटिस करेंगे, हमने यहां पे दिया हुआ है आपको ए ई आई ओ यू, ये टोटल पांच, दो यहां देखें, तीसरा चौथा पांचवा, या सीरियल से देखें ए ई आई ओ यू, इन्हें वॉवल कहते हैं। और इन पांचों को छोड़ करके बाकी जितने सारे लेटर्स बचे हैं, लेटर्स माने अक्षर, जितने अक्षर बचे हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो मैंने टोटल कर दिया है 5 वॉवल और 21 व्यंजन, दोनों मिलाकर के 26। इट मींस आपके इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। सेमी वॉवल, वॉवल और कॉन्सोनेंट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़नी है वो है सेमी वॉवल। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में एक और ऑप्शन दिया गया है, वह है सेमी वॉवल का, जिसे हिंदी के रूप में हम कह सकते हैं आधा स्वर, यानी कि 5+21 ही लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, लेकिन इस 21 लेटर में से भी कुछ एक्सेप्शन आ गए हैं, जिन्हें मैंने लिख दिया है W और Y। इट मीन्स W और Y को सेमी वॉवल कहते हैं, अर्थात कभी ये वॉवल का काम करते हैं, कभी ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। तो चेक करें इन्हें कब वॉवल कहें, कब कॉन्सोनेंट कहें, ये जानना बेहद जरूरी होगा। कभी कभी हम इंग्लिश के वर्ड्स जो बोलते हैं उनसे चेक करें कि क्या हमारी शुरुआत इनसे हो रही है। अर्थात अगर W और Y से किसी वर्ड्स की शुरुआत होती है तो वो कॉन्सोनेंट बनेंगे, और अगर ये आखिर में आते हैं तो वॉवल बन जाते हैं। मीन्स लेटर सेम बट डबल फंक्शनिंग इनकी होती है, जब इनसे वर्ड्स की शुरुआत होगी तो ये कॉन्सोनेंट बनेंगे, और जब ये आखिर में आएंगे तो वॉवल होंगे। ध्यान दें, विंडो W I N D O W, यहां पे जो W है वह ओ का साउंड दे रहा है, और अ आ ई इस तरह का जो साउंड है उसे वॉवल कहते हैं, और यहां पे यह W व का साउंड दे रहा है, व कॉन्सोनेंट है और ओ वॉवल है। काउ, हमने सी ओ W बोला है, W का साउंड उ आ रहा है, काउ, यानी कि W यहां पे वॉवल है। वही सेम W वर्क, वर्क व आ रहा है, यहां पे ये कॉन्सोनेंट हो गया। ऐसे ही यंग, यंग य का साउंड दे रहा है, यह कॉन्सोनेंट है। वही देखें सिटी, सी आई टी वाई, सिटी, वाई आई का मात्रा बना हुआ है इसलिए यहां पे वॉवल है। यस, य का साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट है। ब्यूटी, वाई के साउंड पे खत्म हो रहा है, वॉवल। बेसिक इंग्लिश के तहत हमने अल्फाबेट पढ़ी, और अल्फाबेट में 21 लेटर पढ़ लिए थे, कॉन्सोनेंट के 5 पढ़ लेते, वॉवल के टोटल 26। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त व्यंजन। एक एक अक्षर तो होते ही थे, कभी कभी दो दो तीन तीन वो लेटर मिल करके एक लेटर का काम करते हैं। ऐसे ही संयुक्त स्वर में लिखा है, जिसे इंग्लिश में डिफथोंग कहेंगे, या कंपाउंड वॉवल कह सकते हैं, यानी कि दोनों कंडीशन है, वॉवल भी कभी कभी दो दो साउंड मिल करके एक साउंड मिलते हैं, और दो दो कॉन्सोनेंट मिल करके एक कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी एच, अभी तक आपने सिर्फ सी से पढ़ा था, एस से पढ़ा था, एम से पढ़ा था,
एल से पढ़ा था लेकिन अब ज्वाइंट आएंगे। सी एस से चा बनता है, जैसे आपको लिखना हो चर्च, सी एच यू आर सी एल, तो चर्च में सिर्फ एक चा बोलना है बट ये बनेगा सी एस से। फिर हमने कहा सी एस ए का चौक, सी एच ए एल के चौक, जी एस से बनेगा द, आपको लिखना अफगान या लिखना हो गोस्ट जिसका मतलब भूत होता। सेम जी एस से फॉर भी बनता है लाफ, एल ए यू जी एच। पी एस से भी फॉर बनता है जैसे बोला हूं फाइल, फिलॉसफी पी एस से। अब बोलना है शू, एस एच ओ ई। ट्री एस से बोलना है थॉट, टी एच ओ यू जी एस टी। और बोलना है टी एस से द, द और इसी का सेफ साउंड डी भी होता, टी एच ई जिसे हम द भी पढ़ेंगे डी पढ़ेंगे। एक छोटा सा कंडीशन समझ लें कि जब टी एच ई आया हो वॉवल वाले साउंड से पहले तो आप इसका साउंड डी कहेंगे, और जब सेम टी एच ई किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले इस्तेमाल हो तो इसे बोलेंगे द। सेम ऐसे ही हम आते हैं संयुक्त स्वर में, जिसे दो तीन वॉवल्स एक साथ इस्तेमाल होंगे और फिर भी हम उन्हें साउंड देंगे वन का। फॉर एग्जाम्पल ए ई जिसका साउंड ई भी होता है ए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक माने सौंदर्य शास्त्र। ए यू जिसका हम साउंड आ का देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो, डॉटर। ई ए से भी हम एक ही वॉवल का फॉर्म लेंगे जिसका साउंड होगा ई। फॉर एग्जाम्पल मीनिंग, मीनिंग। ई आई भी आ सकता है साथ में, इसका साउंड हम आई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइट, हाइट। अब देखें ई ओ, ई यू, ई डब्ल्यू जैसे हम बोलते हैं न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू, यू का साउंड आ रहा। ई आई, आई ई, आई ओ जैसे हमें लिखना आयोडीन, आई ए, ओ ओ ब्लड राजदूत, ओ ई अभी मैंने पीछे याद दिलाता शू, एस एच ओ ई शू, सिर्फ एक साउंड उ और वो ओ ई से हो रहा। ओ ए, ओ आई, ओ यू और यू यू, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम में यू यू दो बार इस्तेमाल होगा। तो ये रहे संयुक्त व्यंजन जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और संयुक्त स्वर जिसे इंग्लिश में डिफ्थॉन्ग बोलेंगे। व्हाट इज वर्ड, हमने कंपाउंड कॉन्सोनेंट पढ़ ली, डिफ्थॉन्ग पढ़ ली। अब हमारा आखिरी टॉपिक शुरू होता है व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज की हमारी शुरुआत अल्फाबेट से हुई और अब हम आ रहे हैं वर्ड पे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजेस, फिर पढ़ेंगे क्लाजेस और फिर पढ़ेंगे सेंटेंस। तो हम आज के आखिरी कड़ी में आपको बताते हैं व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड का हिंदी होता है शब्द, वर्ड की हिंदी शब्द होती है। और शब्द किसे कहते हैं तो ध्यान देंगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट टू लेटर्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट टू लेटर्स। वंस अगेन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एट लीस्ट टू लेटर्स इन विच वन वॉवेल एंड अनदर कॉन्सोनेंट इज देयर एंड विच मेक्स अ मीनिंगफुल इज कॉल्ड वर्ड। दोबारा ध्यान दें, ए कॉम्बिनेशन अर्थात दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वर्ड बनने के लिए कंडीशन है कि कम से कम दो। अब कुछ कंडीशन में सिर्फ ए भी वर्ड है, लेकिन एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि दो लेटर्स की कम से कम कॉम्बिनेशन होना चाहिए,
और उसमें एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उनकी मीनिंग निकले, इट मीन्स इट्स अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ए एन आई, मैं आपको दिखा दूं ए एन आई एक वॉवल हो गया एक कॉन्सोनेंट हो गया, पी ओ टू एक कॉन्सोनेंट एक वॉवल हो गया, ए टी एच एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट हो गया। अब ऐसे ही हम दो से बढ़ के तीन पे चलते हैं, ए एन टी एक वॉवल कम से कम चाहिए ही चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट। हम और ऊपर चलते हैं, बी ए टी एक वॉवल और बाकी दो कॉन्सोनेंट। अच्छा कभी कभी एक जनरल सवाल लोग पूछता है, ऐसे कोई इंग्लिश के वर्ड जो बिना वॉवल का हो, और यूजली जवाब क्या देते हैं, यस ट्राई क्राई। और क्या बोलते हैं सर, इसमें देखिए टी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, वाई कॉन्सोनेंट। उन्हें ये भूल जाता है कि ये वाई आखिर में आते ही ये वॉवल बन जाता है, यानी कि इसे हम सेमी वॉवल कहते हैं, अर्थात ये तय है कि बिना वॉवल के वर्ड्स नहीं बन सकते। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।